वृन्दावनेश्वरी तवैव तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्ण द्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल मा राधा राधा राधा, राधा Uh nah, nah. की ली परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र नौ निभृत निकुंज प्यारी जू का नित्य महल शिव वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर हम पर बहुत कृपालु है हमें इस विचित्र आकर्षणमयी माया से बचने का अवसर मिला है इसे छोटी मोटी मत समझ लेना भगवान के वचन है मम माया दुरतया ऐसी दुरत्य है कि केवल भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती बस दूसरा कोई उपाय ही नहीं है जितना उपाय है उसमें मायाकृत ही है हम समझ नहीं पाते हमारा अंतकरण माया में इंद्रिया माया में शरीर माया में हम फंसे इसी जाल में हैं। इंद्रियों के विषय की इतनी महत्ता मन में बैठी है और मन की तन्मयता इतनी अपने स्वीकार की हुई है कि किसी भी कोने में ना श्री जी का स्थान है ना प्रभु का स्थान है ना धर्म का स्थान है पूरा का पूरा अंतकरण विषय ने अधिकार कर लिया है अब जब तक हम सत्संग का हृदय में मनन करके और विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे तब तक हृदय में वो भरा ही रहेगा जहां अवसर आएगा वो परास्त कर देगा रोज सत्संग जो हमें ऐसी पावन भूमि में बैठकर सुनने को मिलता है उस पर महत्व हो जाए कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जब द्रवि दीन राग हो तो साधु संगति पाई है पर यह विषय इतना प्रबल है अगर आपने इंद्रियों के सुख की प्रधानता कर ली तो फिर ऊसर बीज बे फल जथा ब्रथा बेकार हो गया ऊसर में बीज बोना जैसे बेकार हो गया ऐसे ही ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी कामी समझिमी हरि कथा ऊसर बीज बे फल जथा संसार में आशक्त है उसे ज्ञान की बातें सुनाओ जो अत्यंत लोभी धन में आशक्त है उसे वैराग्य की बातें सुनाओ जो कामी पुरुष है उसे भगवान की चर्चा भगवान की रूप माधुरी लीला माधुरी धाम नाम सब कह रहे व्यर्थ हो जाता है ऊषर में जैसे बीज बोना व्यर्थ हो जाता है ऐसे ही। ये सब व्यर्थ हो जाता है दसों वर्ष का सत्संग और इंद्री भोग की प्रीता हृदय में छुपाए रखना वो एक मिनट के कुशंग से नष्ट हो जाएगा इंद्री भोग की प्रीता यदि आपने ऑपरेशन करके हृदय से निकाला नहीं तो ये नसूर है ऐसा नासूर अंदर ही अंदर ये गंदगी फैलाता रहेगा सत्संग में कई बार चर्चा प्राय यही होती है आप मन नहीं है आप इंद्री नहीं है इंद्रियों के भोग आपके नहीं है पर जब आप बार बार वही मांगते हैं वही भोग वही भोग तो भगवान छोड़ देते हैं इस संसार रूपी बगीचे में देख लो शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोग के देख लो फिर जब त्राहीमाम करोगे फिर रास्ता खुला है समय बर्बाद करना अंतःकरण मलिन करना और अपने को दुर्गति में फंसा लेना पर समझ कहां आती है वही विषय भोग दृष्टि में आ रहे हैं। वही नाना प्रकार की वासनाएं हमारे हृदय में कूद रहे सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का नाम जप करो वाणी जी का गायन करो भगवत चर्चा सुनो बार बार सुनो हृदय में उसका मनन करो खाली हृदय बिल्कुल मत रखो श्री जी की सेवा में लगो देखो कहां तुम्हें कौन परेशान करता है ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं काम आदि की स्फुरना होती है वो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता स्फुरना ऐसे खत्म अगर वो टिक रहा है तो आप उसको आदर दे रहे हैं और कोई आश्रय है कोई दृश्य आश्रय है कोई व्यक्ति आश्रय है कोई क्रिया आश्रय है देख लीजिए अगर आपने अपने मन के विकार को कोई आश्रय दे रखा है तो कोई नहीं बचा पाएगा इस शब्द लिख लो कोई नहीं बचा पाएगा क्यों क्योंकि आपने बचने का उपाय नहीं किया ना आपने तो बचाव पक्ष को ठुकरा दिया और अपने मन पक्ष को स्वीकार कर लिया तो मेरे स्वामी का यह भी खेल है खेलो जाओ भोगो ये नरक यंत्रणा बार बार जन्म मरण ये दुख ये भोगो तुम्हारी राजी है तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है जो चाहो कर्म करो चाहे परम पद का कर्म करो या नरक का कर्म करो तुम्हारे लिए स्वतंत्रता दे दी भगवान ने तो हर उपासक से प्रार्थना है आप अपने हृदय को देखिए हृदय में विषय का स्फुर होना ये कोई खास बात नहीं है ये बड़ी ऊंचाई तक स्फुरन होता है आप लोग अभी उस ऊंचाई को नहीं देखा है स्फुरन ऊंचाई तक होता है जब तक तत्व तो बोधात्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक स्फुरन तो होता है स्फुरण अगर हम उसके चिंतन में लग गए तो संकल्प रूप धारण करता है अगर संकल्प बन गया तो संबंध और क्रिया हो जाती है संबंध और क्रिया हुआ तो पूरा अंतकरण मलिन हो गया इसे आप समझ ही नहीं पा रहे आप मनोरंजन इंद्रिजन्य विलासिता के इस जाल को नहीं देख पा रहे पक्षी दाना देखता है जाल नहीं देखता है ध्रुदास जी कह रहे विषय चुगा दिन चुगए मन चुगत कछुक सुख होए फिर फांसी ऐसी पड़े तामसम दुख न कोए मान लीजिए आपको केवल विषय सुख दिखाई दे रहा है लेकिन वो दाना डाला गया है आपके लिए जाल में फंसोगे, बहलिया मार देगा तुम्हें ये काल रूपी बहलिया विषय रूपी दाना डाल के ममता आशक्ति रूपी ऐसे फंदे में फांस लेता है बार बार मृत्यु बार बार जन्म कैसे समझाए आप समझना ही नहीं चाहते तो कैसे समझा रहे बड़े सौभाग्य से मार्ग मिला है ये ना धाम की निष्ठा ना गुरु निष्ठा ना इष्ट निष्ठा ना भजन निष्ठा हम देखते हैं एक क्षण विषय संयोग के लिए अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधारने वाले धाम को छोड़ दिया एक क्षण विषय सुख के लिए अनंत करुणामय लाल लीजू के चरणों का आश्रय छोड़ दिया गुरुदेव को छोड़ दिया प्रभु को कहां स्थान है बड़ा आश्चर्य में तभी हम विचार किया करते थे एकांत में कि जो भगवत प्राप्त हो गए उनकी तो इतनी सामर्थ्य पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं फिर वो छुपे छुपे क्यों घूमते हैं क्यों नहीं समाज में उतर करके सबका मंगल कर देते हैं क्योंकि मम भक्ति हो भोनम पुना तो फिर छुपते क्यों है ये तो सर्वलोक विजयी इनको कौन परास्त कर सकता है शिष्य शिष्य ही रहता है जगत गुरु भगवान पूरे जीवन शिक्षा देते रहते ये संसार जगत गुरु भगवान का विस्तृत रूप है वो भ्रम मिटाता रहता है पारस रखी है उसी लोहे की डिबिया में पर लोहे को पारस नहीं बना पाई क्यों बीच में रुई का पर्दा है हमारा संघ है पर कपट है विषय इंद्रिय सेवन की प्रबल लालसा से अन्य संग हम कुछ नहीं कर पाते तब लगा कि जो बड़े बड़े महापुरुष छुपते घूमते उसका कारण यही है कि कोई लाखों में एक अधिकारी होता है अब मैं मुक्त होना चाहता हूं उसको उपदेश करो वो तत्काल श्रवण करके उस पर चल देगा और उसे कोई भी गिरा नहीं सकता पर जिनको बिल्कुल पता ही नहीं महत्व ही नहीं है केवल भोग पर ही दृष्टि है तो चाहे जितने दिन घसीटो वो वही अपनी मना स्थिति जा है वही वो सुख जानेंगे पाएंगे मानेंगे वही पाएंगे बड़ी ऊंची स्थिति अक्रूर जी की है मथुरा से जब वृंदावन आते हैं प्रभु को लेने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी को तो वहां भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं अक्रूर जी ने रथ से बैठे ही देखा कि जिनके श्री चरणों के चिन्ह में जौ अंकुश वज्रादि कलश आदि ध्वजादि कूद पड़े ये तो मेरे प्रभु के चरण है लोट रहे संध्या काल हो गया मथुरा कितनी दूर है संध्या काल में बाबा के पास हर चरण चिन्ह पर लूटते मेरे प्रभु के चरण चिन्ह अशुभ प्रवाह बड़ी अद्भुत स्थिति ब्रज रज में लोटना प्रभु के भाव में डूबना तो श्री शुकाचार्य कहते जीव का यही परम लाभ है ये स्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी भावमय स्थिति और ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले जब वाप वापस मथुरा की तरफ जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण और शेषावतार बलराम जी विराजमान थे तो उनको लगा मैं कितना निर्दयी हूं कसाई कंस के हाथ में सौंपूंगा जाके ऐसे सुकुमार प्राणवल्लभ परम सुंदर श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम मैं छल करके इनको लिए जा रहा हूं कि वहां बहुत बड़ा उत्सव है आप भी पधारिए हम कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं आप सब ब्रजवासी जन आइए पर मैं तो जानता हूं ना कि वो इनका वध करने के लिए बुलाया है अंदर ही अंदर वो जल रहे ब्रह्म हृदय में जब पहुंचे यमुना जी के पावन तट पर अक्रूर घाट जहां है उनका प्रभु में स्नान करना चाहता हूं हाँ हाँ कीजिए जे डुबकी लगाई तो देखा अनंत फणधारी भगवान शेष की सैया पर अनंत वैभव संपन्न भगवान विश्राम मुद्रा में ये, ये क्या फिर शर्व पर किया तो देखा कि रथ में श्री कृष्ण बलराम बैठे मुस्कुरा रहे फिर नीचे देखा तो फिर प्रभु का ईश्वर बाहर निकले प्रभु ने कहा कुछ आश्चर्य में देखा क्या आपकी मुखाकृति कह रही चाचा जी कि आप कुछ आश्चर्य में देखा बोले प्रभु सर्वाश्चर्य में आपको देख रहा हूं तो अब आश्चर्य बकाया क्या रह गया देखा ना भगवान के वैभव को और वही जब मणि पर प्रभाव उसकी महिमा तो वही समंतक मणि लेकर के आप काशी चले जाते हैं प्रभु द्वारिकाधीश दूर यद्यप वहां धार्मिक कार्य ही करते हैं यज्ञ आदि करते हैं वो भी भगवान की आराधना आराधना आराध्य देव से दूर रहकर भगवान ने बलराम जी और सत्य के भाव को पुष्ट करने के लिए बुलाया और कहा चाचा जी मुझे पता है आपके पास मणि है और आप उसी के प्रभाव से प्राप्त ईश्वर से बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं मुझे चाहिए नहीं पर आप दिखा दीजिए सत्य भामा और बलराम जी को उनको विश्वास हो जाएगा नहीं दिखा रहे थे हमें पता है आपके पास कपड़े में लिपेटी रखी आप दिखा दीजिए फिर दिखाया आ, आप अपने पास रखे इस चरित्र से हमें शिक्षा मिली इंद्रनीलमणि प्रभु श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी इन महाप्रभुओं के वैभव को जानने पर भी समंतक मणि का महत्व बना रहा इसका मतलब मम माया दुरत्य है भगवान की माया कितनी दुरत्य है बड़ा सूक्ष्म भगवान शंकर क्षण का साक्षात्कार करने वाले दिव्य विमान प्राप्त है और भगवान शिव के पास विमान पे बैठ के जाते हैं और असभ्य वर्ताव करते हैं फलास्वरूप जगदम्बा शाप देती है और वृत्तासुर नाम के दैत्य के रूप में परिणित हो जाते हैं बड़ा विचारणीय विषय है साधु समागम भगवत साक्षात्कार और कहीं उदंडता बची रह जाए बड़ा आश्चर्य की बात नारद जी जैसे महापुरुष का उपदेश भगवान शंकरषण उनका साक्षात्कार और भगवान शिव के प्रति अभद्र व्यवहार ये शास्त्र के जो इतिहास है जो चरित्र है उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही तो कथन श्रवण होता है अहम अगर हम बकाया रह गया तो बात बनती नहीं जहां ऐसी उत्तम स्थिति वहां वृत्तासुर के रूप में जन्म ले रहे हैं भजन का नाश नहीं होता अंतिम समय में भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो गति हुई उसका कारण है कि मैं बराबर संग नहीं करता रहा इसलिए हे अरे आपके दासों के दास की दासता मुझे प्राप्त हो बस यही मुझे प्रदान कीजिए मैं इतना अपने को अनुभव करूं जात पक्षायु मातरम खगा जैसे पंखहीन बच्चा मां की बाट जोता बस केवल मैं ऐसे अपने को साधनहीन बलहीन किसी योग्य न समझकर आपको पुकारता रहो ये अनुभव हुआ अंत में उन्हें ये जितने पावन चरित्र सुनाए जाते हैं इन सबसे बल मिलता है आंतरिक सुधार होता है पर आप करना चाहें तब रोज सत्संग हो एक सत्संग आपका परम कल्याण कर सकता है क्योंकि भगवत कृपा से कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें सिद्धांत तो न हो और सिद्धांत तो श्रवण कर लिया तो जो चरित्र है महापुरुषों का वो तुम्हारा पावन चरित्र बन जाएगा इसीलिए यहां से बड़े बड़े महापुरुष हाथ मलते हुए चले गए कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता और ये बिना स्वीकृति के अध्यात्म का रंग चढ़ता नहीं है स्वीकृति जब तक स्वीकृति नहीं है तब तक बस बात यही रहती पाए रतन चिन्ह्यों नहीं दीनों करते डार ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो हर हरि अव्यक्त रूप से हमें इतना प्यार करते हैं आप कहां लौटकर उनकी तरफ देखते हैं गुरुदेव व्यक्त रूप से इतना प्यार करते हैं आपका मलिन मन उनके प्यार को जान पाता है क्या कौन तुम्हारी चिंता करता है कर्म करो दुर्गति प्राप्त करो कौन तुम्हें रोकने वाला है कौन तुम्हें डांटने वाला है कौन तुम्हारे मन पर शासन करने वाला है और भगवान संत सदगुरुदेव रूप में आपको डांट लगाते हैं आपको संभालते हैं आप मानते हैं आप अपने मन की मानते हैं अपनी इंद्रियों की मानते हैं हार करके चले गए बड़े बड़े महापुरुषों के जब पावन चरित्रों का मनन होता है तब गजब की भगवान की माया विचित्र माया है, है। आश्चर्य होता है ऐसे भगवत स्वरूप महात्मा को गड़ासे से काटा गया उड़िया कुटिया में शोर है उनकी कुटिया में आग लगा दियो जलकर बर्फ हो गए कितने ऐसे संतों जहर दे दिया ऐसा कर करता क्यों जो भगवान में रथ है क्या उनके द्वारा किसी का मंगल हो सकता है साधुते न हो न फिर लोग अभद्र व्यवहार क्यों उनसे करते हैं वो किसी का कटु व्यवहार किसी का मंगल नहीं नहीं हर चेष्टा उनकी परम मंगल करने वाले फिर क्यों संतों को बंधन संतों को दंड संतों को प्रहार अपमान क्यों मिलता है जो भगवत आनंद प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं ऐसा क्यों होता है हरि तेरी गति लख न पर है अगर वो परम कृपालु हैं तो का यह रचा हुआ इंद्रजाल है दोनों पक्ष जोरदार हैं, मम माया दुरतया तो ममसो दोनों प्रभु के हैं अब बात मान लो संत सदगुरुदेव की तो पछताना नहीं पड़ेगा नहीं आगे समय आ रहा है तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं होगा और तुम्हें परमार्थ का कोई साथ देने वाला नहीं विश्वास कर ली ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं कि जितनी श्वासें हैं जितने को लाभ मिल जाए मिल जाए अगर वो दस बार भी राधा राधा कहता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा अगर वो व्यसन छोड़ देता है भगवत मार्ग में चलता है तो मानेंगे कि हमारा मनुष्य जन्म और साधु वेश धारण करना सार्थक हो गया ये उद्देश्य है इंद्रियों को मन को बस में करके पर ब्रह्म में लगा के कुछ भी किया जा सकता है पर वो अपने में किया जा सकता है जब आप साथ ही नहीं देंगे अपनी इंद्री अपने मन अपने विचार अपनी भावना हमारी भावना के अधीन नहीं करेंगे तब तक तो कैसे चल सकता है असमर्थ हो जाते हैं इसीलिए भगवान का भी अवतार हुआ आचार्यों का अवतार हुआ बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का अवतार हुआ पर हम जैसे नीच प्राणियों का कल्याण नहीं हो पाया क्यों मनमानी नहीं छोड़ पाए बात बस इतनी मनमानी नहीं छोड़ पाए ये महापुरुष तो आए ही संसार में और हैं भी ये जगत खाली नहीं रह सकता हाँ एक समय आएगा जब नहीं होगा तो कल काल का घोर शुरू होगा जब महान अत्याचार होगा अभी ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी पृथ्वी भगवत प्रेमियों से शून्य ऐसा नहीं है अभी है उन्हीं के बल से चल पा रहे हैं नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाए आप सबसे प्रार्थना जो भी सत्संग सुन रहे हैं आप भाग्यशाली हैं बड़े भाग पाइप सत्संग बहुत भाग्य प्रकट होते हैं तभी सत्संग मिलता है बिल्कुल बात हृदय में बैठा लेना अगर आप बात से उधर हुए जरा भी रेखा क्रास की फिर आपको कोई नहीं बचा पाए ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इतिहास में भी प्रगट में भी लक्ष्मण जी ने शियाजू के चरण की तरफ देखकर कहा था इस रेखा को पार मत करना किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस रेखा को क्रॉस करके आपका कहीं भी अमंगल कर सके बस मेरी प्रार्थना है कि मैं जब तक रघुनाथ जी के साथ वापस ना आ जाऊं इस रेखा को मत पार करना अब रेखा से पार कराने वाला भी साधारण बुद्धि नहीं रखता वो भी माया से प्रभावित बड़ी प्रवीणता में माया अपना काम कराती है उसने वेश रखा भिक्षा दे अवतिथि धर्म लागू होता है कुटिया में है फल मूल रखे हुए संत कह रहा है भिक्षाम दे अंबा है जगत की करुणा में ही है फल लिया लो नहीं ये बंधन युक्त भिक्षा है ये जो रेखा खिंची हुई है इसके बाहर आकर आप हमें भिक्षा अगर देना चाहते तो दीजिए उस धूर्त विचार की सामर्थ्य नहीं थी कि अंदर प्रवेश कर सके सहेज स्वभाव करुणाम अपहरण कर लेगा। गुरुजनों के वाक्य शास्त्र वाक्य लक्ष्मण रेखा है चिल्लाते रहते मानो मेरी बात मानो मेरी बात वो इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े गुरु हैं बहुत बड़े सिद्ध हैं नहीं संतों की जूठन खाई है बात समझा है मानो अगर मान लोगे तो तुम्हें घसीट नहीं पाएगा कोई और नहीं माना तो फिर केवल विलाप ही हाथ में रहेगा मिलाप से तो बहुत दूर हो जाएंगे ऐसा ही हुआ शर्व समर्थ प्रभु के होते हुए भी, भी उस रेखा वो प्रभुमय रेखा थी भस्म हो जाता ताकत नहीं थी रावण की के अंदर कदम रख सके भस्म हो जाता ऐसे वचनों पर चल भस्म हो जाएगी माया तुम्हें छू नहीं सकती पर आप रेखा पार कर देते हैं। ये दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि अगर गुरु ने रेखा खींच दी वचन बोल दिया है तो भगवान भी कहेंगे तो जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे हम ये बात उनका अनादर करके उल्लंघन नहीं करेंगे जीत गए जहां हम मन मानी आचरण करते हैं आज्ञा उल्लंघन करते हैं निश्चित समझ लो आप में सामर्थ्य नहीं कि एक कदम परमार्थ चल सके ये परमार्थ है हम कितना भी नीचे उतर करके आपको उठाना चाहें आप नहीं उठ पाएंगे आपका हृदय जहां अवहेलना की वैसे विरुद्ध आचरणों में युक्त हो जाएगा हमारी पकड़ हमारी दृष्टि बहुत दूर हो जाएगी आपसे पास रहते हुए भी, भी। इसलिए प्रार्थना है आप अभागी नहीं हो आप भाग्यवानों की पंक्ति में हो जिन भोगों को संसार के भ्रमित जीव भोग कर गर्व कर रहे हैं उन भोगों से प्रभु ने तुम्हें बचा लिया है अब उनकी तरफ मत झांको हृदय में विश्वास करो तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा नहीं जन्मना मरना ये अविनाशी शरीर नहीं अभी तो तुम जवान हो स्वस्थ हो तुम्हें प्रमाद घेर रहा है आगे आगे ऐसे भयानक रोग होंगे तुम्हारे शरीर में ऐसी भयानक परिस्थितियां आएंगी जीना मुश्किल हो जाएगा अगर भगवत आश्रय लिए है तो कोहरे जैसा एक क्षण में वायु आएगी हट गया कोहरा फिर निर्मल अपना सर्वनाश करने से आप अपने आप को बचा लीजिए कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता तुम बच तभी सकते हो जब आप वचन का पालन करो भगवान अर्जुन जी से यही कहा है आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए ये जीता हुआ मन ही मित्र है और विषय में आशक्त मन ही दुश्मन है और आप मन में तदात्म हैं अब समस्या ही समस्या है रोज सत्संग में कहते हैं मन को मन को देखो मन से थोड़ा अलग हो मन की जलन को सहो आगे बढ़ जाओगे पर कौन सुनता है क्योंकि जवान शरीर स्वस्थ शरीर भोगों की प्रबल लालसा लगता है तो बाबा जी बोलते ही रहते हैं जब जैसा मनाया हो वैसा हम आचरण करते हैं और सत्संगी कहलाते हैं सत्संगी बाहर से सत अंदर से सत तब सत्संगी थोड़ी देर सत्संग में बैठ गए असत पुरुषों का संग असत वृत्तियों का संग कहा सत्संग सत्संग तो भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती प्रज्वलित करता है और तुम्हारे अंदर वासना की बाढ़ आ रही तो सत्संग कहां गया कहां है सत्संग तुम्हारे जीवन में सत्संग का महत्व तो क्या है एक सेठ जी रोज सत्संग सुनते थे बीस साल से किसी कार्य से उनको बाहर जाना पड़ा लड़के से कहा हमारा नियम है रोज सत्संग सुना तो आज तुम सत्संग में चले जाओ दो दिन का कार्य मैं करके आता हूं सत्संग में गए तो उन्होंने सुना गौ महत्व कि यदि गाय हरा तुम्हारा खेत खा रही या तुम्हारा अन्न खा रही है। तो उसे दंडित मत करो दो चार मुंह पा लेने दो हमारा शास्त्र बड़ी भावना रखता है बड़ा महत्व रखता है वो भोला सत्संग को सुना वैसे अब उसकी परचून की दुकान थी आटे की बुरी दाल की बुरी ऐसे सब लगी थी दूसरे दिन कार्य करके जब पिता आया, तो दो तीन गायें उसमें वो इंतजार कर रहा थोड़ा पाले फिर वो आके डंडे से मारा भगाया उनको तू मूर्ख जैसा बैठा है हाका क्यों नहीं उनका सत्संग में हमने सुना था अरे बोले बीस साल से सत्संग सुन रहा हूं केवल सुना जाता है बस एक दिन गया सब ये है हमारा सत्संग श्रवण बीस साल से सुना नियम भंग नहीं होना चाहिए बस सुनना है ना मनन करना है ना आचरण में उतारना है क्या फर्क पड़ेगा विचार करके देखो ऐसे अपराध करते रहोगे तो क्या तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलोगे इसलिए सावधान हो जाओ बहुत ये दुर्गम मार्ग है संसार तुम्हें नहीं समझ में आता ये फसा लेगा तब तुम्हारे पास कोई छूटने का उपाय नहीं रहेगा अभी छूटने के लिए हरि ने थोड़ा सा अवसर दे दिया निकल जाओ सांकरी गली प्रेम गली अति सामे दोनों समाए इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी बाहर लेके नहीं चल सकते एकमात्र केवल वचन आधार वचन अधीनता यह मार्ग आपको सरल हो जाएगा सहज हो जाएगा आपके घर की बात हो जाएगी मान लीजिए वचन अधीनता जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु ऐसा संस्कृति का हेतु है अविद्या है केवल वचन आधीन अब जो एक कहें करें हम सोई बस पार हो जाओगे तुम्हारी क्रिया से नहीं कृपा से पर पार होना कौन चाहता है ये पार होना कौन चाहता है शविशी भव समुद्र में अटखेलियां करना चाहते हैं इसी में सुख खोज रहे हैं भाई बड़ा विचित्र स्वप्न है कभी दुखद कभी सुखद पर है नहीं है सत्य नहीं है जगने पर जैसे स्वप्न मिथ्या लगता है ऐसे शुद्ध ज्ञान होने पर आप देख पाओगे कुछ नहीं है मान लीजिए प्रार्थना मान लीजिए कई बार हमने एकांतिक में जब कोई बात कर तो कहते एक बार हमें तो मित्र बना लीजिए या हमको कोई मित्र नहीं मानता जैसे कह रहे हो हम मानते हो हमारे मित्र मानने का मतलब समझते हो हमारे वचन की आधीनता स्वीकार करना जो हम बोल रहे हैं वो तुम करो हम तुम्हारे हितकर शखा है मेरी महारानी जू उनका प्रभाव ऐसा है उनका स्वभाव ऐसा है यही जैसे लगाम पकड़े हुए घोड़ों की अर्जुन की श्री कृष्ण बैठे हैं वैसे महारानी जी की कृपा से बैठी हुई अमंगल हो सकता है कदापि नहीं मंगल के लिए तुम्हें अवसर मिला है चाहे दोष दर्शन कर लो निंदा कर लो अपमान कर लो या अपना काम बना लो बाद में मूर्ति बना के अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा बाद में चरित्र पढ़कर वो थे ऐसे थे कुछ नहीं होगा वर्तमान में है वचन मान लो खुली बात कह रहे श्री जी मिल जाएंगे वचन की लक्ष्मण रेखा को पार मत करो परम कल्याण हो जाएगा मान लो मेरी बात यदि आप इस बात को स्वीकार कर ले तो सच्ची मानो कोई माया नहीं कोई आकर्षण नहीं कोई आपको परास्त नहीं कर सकता जब आप आज्ञा उल्लंघन करके किसी व्यक्ति से किसी क्रिया से किसी पदार्थ से अपना संबंध मान लेते हैं और अवज्ञा कर देते हैं तो वही ठूठ का भूत खड़ा हो जाता है और फिर तुम्हारा भय विषाद शोक हर्ष जन्म मृत्यु भ्रम शुरू हो जाता है कैसे तुम्हें समझाए यह अध्यात्म हृदय का विषय होता है जब तक तुम आज्ञा स्वीकार करके इस जलन को सहकर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कोई भी महापुरुष कुछ भी नहीं कर सकता अगर किसी के ऊपर ऐसा कुछ प्रकट होता है तो वह जल करके उनकी आज्ञा पर चला है पढ़ लेना चरित्र किसी का उनकी अधीनता उनकी वचन के अनुसार अपने जीवन को जला के राख कर दिया फिर वहां सब कुछ प्रकाशित हो जाता है संकल्प जाकर वापस लौट आता है जो वचन का पालन नहीं करता तो उनकी करुणा से संकल्प जाता है वो कृपा जाती है वापस हो जाती है वचन के अनुसार चल रहे हो तो हम आपको अपने जीवन की बात कह रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं था हमें प्रभु के शिवा कोई समझाने वाला नहीं था ऐसी विपत्तियां कि तुम सोच भी नहीं सकते भयंकर वर्षा हो रही सर्दी का समय है एक भी वस्त्र नहीं शरीर कांप रहा है नगर में जा नहीं सकते जवान शरीर है कि हम किसी घर घर में जाके दे कि आज मुझे रख लो कौन रखेगा किसी वृक्ष का आश्रय गंगा किनारा है दस किलोमीटर कोई नगर नहीं पूरी रात कांप रहे हैं पर कभी मन में यह थोड़ी आया कि चलो घर चलते हैं यार बहुत हो गया अब थोड़ा चैन से जिए कभी चैन तो तब मिलेगी जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा भगवत साक्षात्कार थोड़ा जीवन नहीं कि महीने दो महीने जीवन हो लंबा जीवन यौवन अवस्था में जहां भोगों की बाहुल्यता का वहां ब्रह्म साक्षात्कार की आग लगी थी ये चार दिन की चांदनी आज जुड़ गई है तो तुम्हें लग रहा है कि इसका कोई महत्व इसका महत्व तो बहुत पहले ही भस्म हो गया था ये तो नाटक चल रहा है केवल ये केवल श्री जी ने आपके कल्याण के लिए व्यवस्था की ना मैं पढ़ा लिखा हूं ना कभी प्रवचन कहीं बैठ के सीखा हूं और ना कभी अंदर स्फुरा थी कि मैं प्रवचन करूंगा लायक ही नहीं था तो करूंगा क्या लायक ही नहीं था गांव का पढ़ा लिखा भोला भाला स्वरूप जानते नहीं थे पर मुकम करो थी वाचालम पंगुम लंग गिरी कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम वो माधव गूंगे से भी वेद बुलवा दे उन्हीं का प्रभाव है तुम तो खुली बात तुमसे कह रहे केवल तुम्हारे कल्याण के लिए अवसर मिला है और तो ये चंद दिनों का अवसर है लूट लो अपना काम बना लो नहीं तो बाहर की चका चौन भर दिखाई देगी तो अंदर कुछ नहीं होगा आज तुम्हें जो मिल रहा है वो हम नहीं दे रहे हम खुद एक तिनका है जहां हवा चाहे उड़ा के डाल दें पर हम उनके तिनका हैं कि तिनके का सहारा ले लोगे तो उड़ाके वहीं पहुंचा देंगे उसमें सामर्थ्य नहीं सामर्थ है जिनका तिनका है वो कृपा शक्ति से संपन्न है व्यर्थ का भ्रम छोड़ो और एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लो जितना बन सके नाम जप करो ना बन सके तो लक्ष्मण रेखा पार मत करो बस तुम्हें इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा गुरु कृपा किसे कहते हैं ये मनमानी आचरण होने पर फिर कृपा काम नहीं करती। आप जो चाहे वो निंदनीय कार्य करे और गुरुजनों की कृपा आपको विमान पे बैठाल के परम पद पहुंचा दे ऐसा आज तक हमने नहीं सुना पढ़ा नहीं संतोष कहीं ऐसी बात नहीं सुनी हां थे पूर्व में पापाचारी पर जब से संत समागम किया आज्ञा पर पूरा जीवन दे दिया तो जगत बंदनी महात्मा बन गए ऐसा सुना है ऐसा पढ़ा है ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो ऐसा नहीं सुना सिद्धांत तो नहीं।, नहीं चाहे जो युग हो भगवत प्राप्ति का सिद्धांत तो वही रहता है हां कुछ कमीवेशियां साधना में हो जाती हैं पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं थोड़ी भी सिद्धांत की चूक वो चूक ही होगी आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली होगी इस समय जो आपको अवसर मिला है ये अमोघ है चूक गए पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा चार लाख बत्तीस हजार में तो अभी पांच हजार के ऊपर कुछ हुआ है बहुत बड़ा समय इस राजा का है कलयुग का और ये कपट कुटिलता व्यभिचार हिंसा मदिरापान कीड़ा इसका ही उत्साह बढ़ाएगा इसका राज्य है अगर बच सकते हो तो एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है वो भगवान नाम नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं करते, बच जाओगे जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती थी कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगी पर जो निषेध है वो मत करो हम ये ध्यान नहीं देते निषेध को उत्साह पूर्वक करते हैं सोचते हैं अब देखे तुम कृपा कर लो सिद्धांत नहीं है ना संतजन परम कृपाल होते हैं पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा जोड़कर आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं यह हमारा विश्वास है तो उनका भैया अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है कि मैं सबको भगवत प्राप्ति करा दूं सब सुखी हो जाए पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे मेरी चाह तो है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए आप चाह करो अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी पर आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनते हैं पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं भगवत प्राप्ति की चाह का नहीं इसलिए कैसे कैसे संभाल सकते हैं कैसे सुधार हो सकता है आप इसे एक सांसारिक मनोरंजन समझते हैं कैसे ऐसा हो सकता है आप चार बजे आके सत्संग में बैठते हैं ये सांसारिक मनोरंजन कैसे हो सकता है अगर आप इसे मनोरंजन नहीं समझते तो आप इसको धारण क्यों नहीं करते दोनों बातें अगर आप इसे सत्य समझते हैं सौभाग्य समझते हैं तो आप धारण क्यों नहीं करते अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा करके आपकी दुर्दशा करता है ये नहीं कर सकता बिना ही प्रयास होगा आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा अगर सत्संग मिल रहा है तो बिना ही प्रयास हो भव भंगा बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया ये अनुभव बड़े बड़े व्रत नियमो से नियमों से तीर्थयाटन से वेदाध्ययन से धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है आपको सत्संग मिल रहा है परिवर्तन नहीं फिर हमारी बात समझ में नहीं आती सत्संग मिले और उसका रंग ना बदले तो बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया लेकिन अंदर का अहंकार वासना में मन ये मंत्र से बदलेगा नाम से बदलेगा विचार से बदलेगा आप लगते नहीं सहज में साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमत चतुराशी जी में है निरखय जुगल किशोर ध्यान में नहीं ऐसे खुले नेत्र कितने मिनट लगता है कितना बड़ा लाभ अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 मिनट थोड़ा मन घंटा स्वाओ घंटा राग पूर्वक गान करें पौने दो घंटा चौबीस घंटे में एक बार चतुराशी जी कर ली तो चौरासी लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया छुट चौरासी भ्रमण थे ये सब ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं भीष्म जी के वचन के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया फिर यह तो महाप्रेमी जन है जो प्रियालाल की सहचरी भावना में सिद्ध होकर आठों पहर सेवा में है एक बार चतुराशी जी का रोज गायन चौरासी लाख योनियों में आप नहीं फंसेंगे छुट्टी चौरासी भ्रमण थे जुगल किशोर निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने कब रात गई कब दिन गया इसका भी होश नहीं तो फिर भोगों का चिंतन कैसे होगा भ्रष्टाचरण कैसे होंगे निर्खय जुगल किशोर सामने जुगल किशोर हैं तो हमारा विषय चिंतन बनेगा क्या जब सामने विषय है तब तो उसका चिंतन हो रहा है कितनी बड़ी सिद्ध वस्तु है पर नहीं हमें भूखी नहीं है जुगल किशोर की, की इस भयावा संसार से मुक्त होने की भूखी नहीं जब पूज्य श्री जयदेव जी का चैत्र पढ़ा नहीं नहीं। तो प्रारंभ में नए नए हृदय जल गया कहां थे भगवान जब ऐसे महापुरुष जो रात दिन भगवान के भजन में लगे हुए हैं किसी ने दक्षिणा दी जब देखा कि ठग है तो दे ही दिया अपनी तरफ से फिर भी उन दुष्टों ने उनके हाथ पैर काटकर कुएं में डाल दिया कहा बार पूछा गुरुदेव भगवान से कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो सुनने के बाद हृदय हमारा जलता है, और लगता है भगवान ऐसा क्यों किए क्यों किए क्या प्रारब्ध जब आपकी शरण में है? क्या तो श्री जी की सेवा कर रहे थे महाराज जी तो उनका देखो भजन करो और ये चिंतन छोड़ो भगवान लीला बिहारी हैं, लीला करते रहते हैं अपने आप से अपने आप में उनकी क्या लीला किस समय कैसे हो रही बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए तो भजन करो तुम भजन यही उत्तर मिला था हमें भजन करो बस शांति से भजन करो ये चिंता नहीं मत करो हमें नहीं बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ने पर बड़े बड़ों को हुआ ऐसा क्यों हुआ अपने गुरु की रक्षा के लिए जा रहे हैं। दोनों आंखें निकाल ली गई दो महापुरुषों की रामानुजाचार्य चरित्र में पढ़ा निकाल आई एक नास्तिक को भगवत मार्ग का अनुसरण करने के लिए कृपा कर दी वो बुलाता है उसकी पत्नी खोलता हुआ पानी पूरे शरीर में पूरा शरीर जल गया तुकार पूरा विठल 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 बहुत ताप हो रहा है प्रभु ऐसे वचन वाणी उनकी पड़ी बहुत ताप हो रहा है प्रभु ये क्या है हम भगवान से पूछते थे क्या है कई बार हृदय में उनसे ये क्या है क्या अपराध व है इनका एक श्वास भी तो खाली नहीं जाती आपसे फिर ऐसा क्यों इन महापुरुषों को दुख क्यों बाहरी प्रहार क्यों बाहरी यातना इनको इसका कोई उत्तर नहीं है सही माने में क्योंकि क्यों वो अपने आप से अपने आप में खेलते रहते हैं उनका हरी तेरी गति लख न पड़े करी गोपाल की हो वो क्या खेलते हैं सरस्वती की भी बुद्धि में नहीं आता अपने लोग तो बहुत छोटे बस इन किन प्रकारें हम अपने चित्त को प्रभु में जोड़े निर्णय मंगल में निकलेगा वही तुकाराम जी सदैव विमान पर बैठकर खूब घंटानाद नाम कीर्तन की ध्वनि के बीच से भगवान के धाम उसी देह से सदैव भगवान के धाम को गए ये परमार्थ पथ है ऐसा सोचा जाए कोई संकट ना आवे विपत्ति ना आवे नहीं जब कोई विचार करता है कि हजारों को लेकर चलेंगे प्रभु के मार्ग में तो तांग तोड़ती माया तांग तोड़ देती है। उसको असहाय धूल धूसरित कर देती है और वो भी भगवान के दास है जैसे भी बनता है घसीट के ही पर पाला तक पहुंचाते हैं पाला होता है ना बीच में यह खेल है भगवान की माया का और ऐसा खेल है कि है स्वप्नवत पर सत्य भाष रहा है निकल चलो इस खेल से बढ़िया अवसर मिला है नहीं करूंगा कभी किसी का अब तन मन धन से अपमान सब में सदा देख प्रभु को मैं सदा करूंगा सुच सम्मान आप ही हो आप ही हो अब तब आप ही हो लो मैं छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ कपट कर रहा हूं मैं निंदा करूंगा तुम्हें मारूंगा तुम्हें दर दर के लिए भिखारी बना दो अब बोलो मैं हूं हा हो आप ही हो मेरा विधान ठीक है हा बहुत अच्छा है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाई बोल अब ये बहुत लीला बिहारी है बहुत लीला बिहारी इसको खिलवाड़ मत समझो कि दो चार माला भानुकूलता आ गई जय हो आ, कभी किसी से कहा था कि भक्ति जब रंग लाती है तो जीना मुश्किल कर देती है कैसा जीना मुश्किल जहां जहां तुम्हारा राग ममता शक्ति साफ उनका तो, तो मुझे तो कई वर्ष से भक्ति कर रहा हो मुझे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई दे रही अभी रंग की बात है ना थोड़ा रंग आने दीजिए जब रंग आया ना तब पूछा कहो भाई क्या हाल चाल है पास ही रहते हैं तो उनका अक्षरशा वैसा ही सदा देखूंगा सब में प्रभु का भाव सब सर्वान प्रवचन कर लेना अलग बात आप, आप निरीक्षण कर कि कौन है सामने आप ही हो आप ही हो आप ही हो सही उत्तर ए, साल भर पढ़ाई की है, फेल होने जा रहा है होश में आप ही हो जय हो नाथ जय हो नाथ आपकी ये है कैसे कैसे कर दो? बड़ा विचित्र खेल है भगवत प्राप्ति बहुत विचित्र खेल बस वचन पे चल जाओ तो पहुंच जाओगे शरीर से मन से बाह से हर जगह से वही अब निकल निकल जय हो आपकी कदम आगे कुछ नहीं है ड्रामा है माया का कुछ नहीं दिव्य सच्चिदानंद में देह दिव्य सच्चिदानंद में देश दिव्य सच्चिदानंद में आनंद आगे रखा हुआ है पर अब एक कदम चलने लायक नहीं हो कोई नहीं मानेगा आप चल के दिखाओ बस पूज्य बाबा राधा बाबा ऐसे भाव एक कदम नहीं चल पाए गठिया रोग भारी रोग चलो अनुष्ठान लिया त्रिपुर सुंदरी का फिसल गए टूट गए औषधि नहीं लेते थे अनुष्ठान नहीं बंद हुआ सामने साक्षात हो विराजमान ये थोड़ा सा तो यहां तो अनुष्ठान विषयों का चल रहा है प्रभु का अनुष्ठान कहां है मन में देखो ना मांगा हुआ विषय नहीं मिला तो प्रभु के प्रति अश्रद्धा हो जाती ऐसा लगता है भगवान नहीं मांगा हुआ विषय नहीं निश्चय कर लो हमें पास होना है फेल नहीं होना है हमारी पढ़ाई कच्ची नहीं है सच्ची है धन के द्वारा तन के द्वारा मन के द्वारा कभी की किसी की हिंसा नहीं कराऊंगा विचार करो कैसा भी रूप रख के आओ मेरे सामने कितना भी अपमानित करो धोखा दो कैसा भी ना था भी हो दूसरा कोई नहीं सोचो ऐसा परुख व्यंग निंदा वचनों का नहीं करूंगा मैं व्यवहार सदा करूंगा शब का सुधा मई से सत्कार विरोध कहीं बार नहीं पैदा किया जाता समीप ही कर पैदा किया जाता है। ध्यान रखना बाहर का विरोध तो कुछ नहीं समीप वही आपके विरोध में होंगे सदैव चलाया है अब तुम्हारी परीक्षा है तुम्हें अपनी साधुता पर खड़े उतरना है अगर तुम उतर गए तो लाखों को पार कर दोगे क्योंकि तुम्हारी नाव में लाखों बैठे हैं परुख वचन और व्यंग और निंदा व्यंग वचन भयावा वचन और निंदा इन वचनों को सुनकर के मुझे अपने व्यवहार को नहीं बदल देना है। अपनी परीक्षा इस बात की है हमारे साथ दुर्व्यवहार हो उत्तर दुर्व्यवहार नहीं सदुव्यवहार है वो वचन हमारा मधुर वचन कपट का जाल हमारा खुला व्यवहार कहीं भी किसी भी तरह का उनका प्रभाव हमारे हृदय में न पड़े यही हमारी बात है डरना नहीं अपना जो दिनचर्या है उसको बदलना नहीं किसी भय से अब श्री जी कल शरीर कर दे आने ही न दे मान आने लायक न लगे वो बात अलग की है कोई भय नहीं कि कौन क्या कैसा नहीं अपने मार्ग में सीधे लक्ष्य पे चलना सब में अपने प्रभु का भाव रखकर अमृत में वचन बोलना सब में प्रभु के मैं अनुपम गुण गण ही देखूंगा सबोर नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभोर ये विराट भगवान का स्वरूप है भाग करके रात्रि के पौने तीन बजे रोड में खड़े कौन है ये हमें दर्शन देने आते हैं मेरे विराट भगवान है विविध रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं इनसे हम वह करें कोई कुछ नहीं कोई है नहीं और उनको जब कर ला है तो मेरा कुछ है ही नहीं कभी भी जैसा चाहो तन मन प्राण सब आपको समर्पित है जब जैसा चाहो जैसा विधान जैसा खेल वो आपका नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभो प्राणी पदार्थ सभी देंगे फिर मुझको नित्य परम आनंद क्योंकि सभी में दीख पड़ेंगे मुझे नित्य सत चित आनंद जब हमारी वृत्ति इस तरह की होगी तो भगवत साक्षात्कार करने के लिए पद्मासन नहीं लगाना पड़ेगा चलते फिरते सबके हृदय मंदिर में वही अपना परम प्रीतम दिखाई देगा पर ये इस जगह जो परीक्षा होती है तो अलग अलग कोटे ये बिल्कुल आखिरी परीक्षा होती है इसे पार करना ही होता है जिनके मस्तक पर लाखों मन फूल चढ़ा होगा बढ़िया बाबा बड़ी अपार श्रद्धा है साक्षात ब्रह्म ऐसे ही पदमाश्रम में बैठे हुए सभा के रिच गा चल रहा है फवारे खून के ओ ओम, ओम, ओम। क्या है भगवान का खेल एक बार नाम ले तो पीछे डोलते हैं ये तो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष है हरी तेरी गति लख न पर है यदि तुमने ठान लिया है कि इनका कल्याण करेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे ये माया के पार्षद देखते हैं पर बस अपना कुछ रह ही रह गया तो चाहे धज्जियां उड़ाओ या फूल उड़ाओ ऊपर आपके ऊपर है ये ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चा साधक है उसके ऊपर की बात नहीं कह रहे जवाब ऐसे यश कीर्ति में राजी हो भोग में राजी हो तो ये नहीं आएगा प्रश्न ध्यान रखना ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि आप पता है कि वहीं गिरे हुए हो आगे बढ़ नहीं सकते अगर उसके आगे कदम बढ़ाया फिर जो शुरू होता है पीड़न प्रहार अत्याचार निष्कासन निंदा अपमान अब इन फूलों का हार बनाकर पहन लो तो प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच गए अच्छे से समझ लेना यह आशा मत रखना पावड़े बिछा हो सकता है पावड़े बिछाए जाए लेकिन आगे चल करके जब आपका फाइनल एकदम क्योंकि आप अकेले निकलना चाहो तो चुपचाप गुफा में बैठ के भजन को निकल जाओ लेकिन हजारों को लेकर चलना चाहोगे पैर तोड़ देगी माया उसका स्वभाव है पर भगवान के पार्षद जब आ, अखाड़े पे उतारे जाते हैं तो कमजोर चेला करके नहीं भेजा जाता जब कभी किसी अखाड़े पर पहलवान अपना चेला उतारता है ना तो पहले ही रगड़ के इतना मजबूत कर देता है कि उसके कोई भी हा आप जब भगवत मार्ग में चले तो इतना जान लीजिए कि अब जो भी होगा परम मंगल होगा और मुझे सहना होगा तो चल सकते हो ये आखिरी बाजी है थोड़ी देर ढोलक हारमोनियम बजी नाच कूद लिया भक्ति का एक अंग है सर्वांग अंग भक्ति का प्राण पदार्थ सभी में अपने प्रभु का विधान देखना और को प्रभु में मानना और इसमें अंतर ना पड़े और वही तुम्हारे विरोध में खड़े किए जाएंगे जहां तुम्हारी आशा ही नहीं है ये आदमी ऐसा हाँ क्यों सब में वही बेटा चाबी घुमा दी अब चलो मेरे ही प्रभु हैं, उन्हीं का विधान है चलो कभी शिकायत करने का अवसर नहीं होना चाहिए अपने प्रभु से शिकायत करने के बहुत अवसर होते हैं। पहले ही इतनी अस्वस्थता दे दी बैठने लायक भी नहीं रखा और सेवा इतनी बढ़ाते चले जा रहे हो पहले दो लोग चार लोग अब चार हजार लोग और फिर इतना सब क्या है प्रभु तुम्हारा ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है तुम जिस पढ़ाई में चल रहे हो हर प्रश्न का उत्तर दीजिए बोले भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं नहीं लेना चाहिए उनको तो बने रहो कक्षा अच्छा पांच में फिर छह में नहीं जाओगे छह में जाना है तो फार्म आएगा और उसमें अलग अलग वो भी होते हैं कि तुम्हें टिक लगाना है इसमें टिक लगाना है ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, है? कैसे तुम्हारा अपमान किया जिसने तुम्हारा अपमान किया पीटा उसमें भगवत भाव करके उसका त्रिकाल में अमंगल न होने पावे इसमें टिक लगाओ बोले लगा दिया बोले निकल जाओ ये है ये प्रश्न है करत जे अनुसहन निंदक तिनो पे अनुग्रह करो इतना भी इतना भी मन में नहीं आना चाहिए कि देख लेंगे नहीं आना चाहिए अगर उनको देख लोगे तो फिर प्रियालाल को नहीं देख पाओगे आंख झुकाओ तुम्ही हो तुम्हारा हर विधान स्वीकार है कभी शिकायत नहीं करूंगा कदम आगे इतना तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति करने के लिए पक्का समझ लो ये बहुत भ्रमण से बड़े बड़े महापुरुषों को देखा वहां की सब बातें सुने अपने लोग थोड़ी प्रश्न में भगवान को लहना देने लगते हैं भगवान कैसे क्या कथा कर रहे हैं भगवत यश गण करके सबका कल्याण हो गाधर जी तो सब अनुकूलें थोड़ी रहते कल्याण सिंह जी बहुत श्रद्धा करके अच्छा अब यहां सुनोगे तुम्हारा कपड़ा बदलने का मन करेगा घर छोड़ने का मन करेगा रात दिन भजन करने की भावना बनेगी ब्रह्मचर्य रहने का क्योंकि यही सतमार्ग का स्वरूप है अब वो न तो पत्नी से बोलते उसको लगा कि ये जो कथावाचक है इन्हीं के संग से हमारा तो जीवन ही लुट गया वो बात ही नहीं करते थे ब्रह्मचर्य अब उसने सोचा कि ठीक है तो हम इसी इन्हीं को देखते हैं पहले जो उपदेश करते हैं एक भिखारी को भेजा गर्भवती थी इतनी स्वर्ण मुद्रा देंगे तुम सभा में जाके केवल ओ आई वो कहा कि पहले तो खूब आते थे और जब ये आया तो आना ही बंद कर दिया अब इसको कौन देखेगा बैठो आराम से जिसने दिया है ना वही भरण पोषण कर काय चिंता कितने समर्थ महापुरुष है और ये तुमने क्या कह दिया सभा इज्जत और बेज्जत दोनों भगवत स्वरूप अब दो विभाग हो गए श्रोताओं में यार ऐसा तो कभी नहीं हो सकता एक ना कहा हो भी सकता है भाई नाटक चल रहा हो ऐसा भी हो सकता है और उनमें आपसे में बड़ा बड़ी व्यथा हुई गदाधर भट्ट जी को कुछ नहीं वैसे भगवत चर्चा शुरू की बात कर लेंगे जिसने दिया वही पालन करेगा एक बहुत ही श्रद्धावान प्रवीण बुद्धि के थे कि गदाधर भट्ट जी जान न पाए इशारे से बुलाया पीछे सिंहासन से पीछे ले गए चाकू रखते थे निकाला उस समय सत्य बोल तुझे किसने भेजा है उन्होंने तो कहा कि कोई कल्याण सिंह है इसमें कथा सुनने आते हैं उनकी पत्नी ने इतनी मुद्राएं दी ये कहा कि आपको ये बस बोल देना है तो मैं तो भिखारी में हूँ पैसे के लिए बोल दिया हमें पैसा मिलेगा हमारा काम चलेगा बोल बोल सभा में चल के यही बोल फिर आग गदाधर ऐसा मत डांटो कल्याण सिंह ने जे ही सुना तो राज पूछते पदाधिकारी थे भागे कि मैं अभी उसको मारता हूँ जाके हमारे गुरु के प्रति ऐसा दोषारूप वो गदाधर यही सत्संग का फल है तुमने सुना यही सत्संग है शांत शांत सा अपने कल्याण के लिए तुम अगर कमरे में बंद रहकर भजन करोगे तो ज्यादा विघ्न नहीं पड़ेगा प्रश्न उत्तर आते अगर किसी के कल्याण का ठेका लिया तो धज्जिया उड़ा देगी माया क्योंकि वो शाप को अपने अंडर में रखे हुए है तो अब जैसे नाम कीर्तन लीला गायन शास्त्र संबत सिद्धांतों से चलना तो इसमें इतना बलवान बनना पड़ेगा उपासक को कि जिस माथे पे फूल चढ़ते हैं उसी पे पादुका भी चल सकती है जिस गले में हार उसमें फांसी भी लग सकती है जहां सब प्रणाम वहां गालियां भी मिल सकते हैं इतनी हिम्मत रख करके सत्संगी हो अपने लोगों इतनी हिम्मत रख करके इस मार्ग में चलने केवल फूलों की तरफ ही मत देखो केवल प्रणाम की भी तर, इसके पीछे भी कुछ है वो जब आएगा तो होश उड़ जाएगा इसलिए इसको स्वीकार नहीं करोगे तो उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में हर समय रहेगी निकलना है निकलना है बस ठान लो निकलना इस भयावह संसार से कोई अपना नहीं महाप्रभु ऐसे नहीं लिख दिए पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलियुगी टंच तुम्हारे सामने भोग आएंगे तुम्हारे सामने सम्मान आएगा तुम्हारे सामने प्रश्न खड़े होंगे अपमान होगा निंदा होगी अपने मार्ग में चलते रहो ये अंतिम जन्म बनाना है अगर द्वेष कर लिया झगड़ा कर लिया कोई भी विरोधी क्रिया कर ली तो आपने नए कर्म का निमंत्रण कर दिया फिर इसका हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा आना ना जाना तो लेना ना देना मालिक श्री जी पूरा ठीक से समर्पण ये हम केवल विरक्तों के लिए नहीं कह रहे सबके लिए कह रहे हैं यह भगवत मार्ग है इसको अच्छे से समझ लो शांत भाव से मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है और वो आने वाली है सबकी दिन तिथि तारीख निश्चित है अपने को पता नहीं इसलिए हर समय तैयार रहो या ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है अपना समय श्री जी में लगा दो ये माया भेजेगी जिससे तुम्हारा श्री जी का चिंतन छूटे और उनका चिंतन हो चाहे द्वेष में चाहे राग में ये नहीं होना चाहिए गंभीरता पूर्वक चलो निरंतर भजन परायण रहो हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है ऐसा दृढ़ निश्चय रखो और शेष रक्षा तो श्री जी ही करती है योग अक्षेम भा शे